विशाखापट्टनम का घुमाएगी। लेट्स गो फॉर राइड ब्रो। मॉर्निंग राइड यहाँ का देखते हैं कि कैसा है। बिलासपुर में तो बहुत राइड चलिए, अब यहाँ का देखते हैं कैसा है। तो गाइस NAD के पास मैं रुका था, बट अमन का कॉल लग नहीं रहा था और मैं डर गया था कि सनराइज ना हो जाए, बट वो हो चुके थे। अमन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था तो मैं आगे बढ़ गया। अभी अमन का कॉल आया, मैं अपना लाइव लोकेशन भेजा हूँ और उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। वो जैसे आता है फिर हम लोग साथ में चलेंगे RKP। देख लो आ चुके हैं अमन भाई अति जल्दी। हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। सॉरी भाई मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि देखो यार सनराइज हो गया था और मेरे को समझ में नहीं आता था, बहुत ज्यादा डिले हो गया था। अब मैं इस समय मेरा मूड भी ऑफ हो गया। चलो निकलते हैं। चलो यार निकलते हैं अब जल्दी से RKP बीच तो वर्कआउट करके। अब व्यू पॉइंट में सुनो बहुत अच्छा है, वहाँ भी होगा क्या जाते ऋषिकोंडा? हाँ चलो आगे, पहले RKP बीच में थोड़ा वर्कआउट करके देख लेते हैं। ओके चलते अब यार जल्दी से, बहुत डिले हो गया। बाय बाय बने रहो। सो गाइस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मजा आएगा ब्रो वर्कआउट करते हुए। अभी एयरपोर्ट भी जाएंगे भाई लास्ट में और हम लोग फाइनली बीच है। व्यू अच्छा है और यहाँ से हम लोग को कैलाशगिरी जाना है व्यू पॉइंट, बट अभी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक चल रही है इसलिए वेट करा रहे। अभी इधर का रास्ता ब्लॉक है गाड़ियों के लिए, ओनली वॉक खुला है। तो अभी यहाँ से अभी वर्कआउट थोड़ा कर लेते हैं RKP बीच में चल के, फिर आगे देखते कि क्या बनने वाला सीन। बहुत ही प्यारा व्यू है बड़ी, बहुत प्यारा व्यू है। और मैं अब चल रहा हूँ वर्कआउट करने और नीचे तक ज़्यादा लहरें आ रही है यार।
भाई को मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी पसंद आई और भाई मेरे को काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे और आगे पूछ रहे कि भाई आपके सप्लीमेंट्स क्या है, डाइट क्या है। तो मैं अभी भाई को बताता हूँ। भाई आपका नाम? ब्रदर, योर नेम? कुमार। कुमार, तेलुगु अच्छा रहा? నాకు తెలుగు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది. నీ పేరేంటి అన్న? కుమార్ అన్న. కుమార్ అన్న, ఓకే. సరే, అదే బాడీ 3 ఇయర్స్ హార్డ్ వర్కౌట్ ఇదా? 3 సంవత్సరాలకు వస్తున్నాడు. మూడు. సరే, ఎక్కడ? అక్కడ పెందతి. పెందతి. నా డైలీ రొటీన్ ఎన్నికే? పాలు, గుడ్లు. పాలు, గుడ్లు. ఎన్ని పాలు? ఎన్ని లీటర్ పాలు? 2 ప్యాకెట్లు పోవాలి. 2 ప్యాకెట్, 1 లీటర్. అండ్ గుడ్లు? గుడ్లు రోజు 4 గుడ్లు. 4? మార్నింగ్ ది 2, ఈవినింగ్ 2. సార్, యూట్యూబ్ దా సపోర్ట్ చేయి. ఓకే, సరే, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నా. సరే, నైస్ టు మీట్ యు అన్న. काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला यार, न्यू ऑडियंस बनी और न्यू फैम बने। अब आपका भाई को यहाँ से यहाँ जाने कोई नहीं रोक सकता, बस हार्ड वर्क रहेगा। अब यहाँ का वर्कआउट हो रहा है, अब हम लोग चलते ऋषि या कैलाशगिरी का एक बार विजिट करते, फिर वहाँ से घर चलते। और आज इवनिंग की मेरी ट्रेन है, तो लेट्स गो फॉर कैलाशगिरी व्यू पॉइंट। ऋषिकोंडा चलते हैं, ऋषिकोंडा बीच करें, देखते व्यू कैसा, और कुछ रास्ते में मिल गया तो कुछ खाते। और काफी लेट हो गया। सब पीपल, हम लोग आ चुके हैं ऋषिकोंडा बीच, और यहाँ पे मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से ये कुछ अलग ही है। कोई क्राउड नहीं, कुछ पब्लिक वब्लिक नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है कि कोई आइलैंड पे आ गए और सब खो गए, कोई नहीं है।
बट यहाँ ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ज़्यादा टायर्ड भी हो गया, फुल्ली टायर्ड, और कुछ सुबह से खा नहीं पाया हूँ मैं। बस अपना जो प्री वर्कआउट मिल लेके आया था उसको लिया था, और यहाँ पे बीच पे जो सिट्रोलाइन मैलेट के साथ वॉकआउट किया था वही है। अब उसके बाद कुछ खाया नहीं, अब चलते रिटर्न। बस ये देखना था, व्यू देख लिया हूँ, और पानी में मैं पूरा भीगा हूँ। फोटोज, रील्स और यूट्यूब के लिए जो क्लिप्स लिया हूँ उसमें पूरा, सबसे ज़्यादा मेरा पूरा लोअर पैंट जो है पूरा गीला हो गया था, ट्रैक पैंट, तो वो अब सूख भी गया। अब मेरे को इचिंग लग रही है नमक नमक सॉल्टी वाटर का। तो हम लोग रिटर्न, जल्दी से कुछ स्पॉट पे कुछ मिल जाए खा के रिटर्न घर जाते हैं। और आज इवनिंग में मेरी ट्रेन है, तो मेरे को बैकपैक भी करने, पूरे कपड़े मेरे पूरे फैले हुए। यही है आई लव वैजाग, और ये है व्यू पॉइंट जिससे आप देख सकते हो कि कितना प्यारा नजारा आ रहा है यहाँ से व्यू पॉइंट का। यही है व्यू पॉइंट जो कैलाशगिरी, ये कैलाशगिरी है, उसके बैक साइड में ये व्यू पॉइंट आ रहा है। और ये इतना कि मैं बहुत यहाँ पे डिले कर दिया हूँ, अमन को भी लेट हो रहा है, मेरे भाई को भी लेट हो रहा है, बट बोला कि थोड़ा सा रुको यार, इतना पीस, इतना शांत, मतलब समुद्र का जो आ रहा है लोकेशन का, क्या मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये यहाँ का व्यू, ये व्यू पॉइंट। तो अब चलते आगे कुछ खाते स्पॉट पे, फिर आगे से मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो हम लोग जो रास्ते से आ रहे थे, तो VMRDA 1080 पार्क है ये, इसके अंदर अमन बता रहा था कि शिप है जिसको देख सकते हो। और आज का व्यू का तो कुछ अलग ही नजारा लग रहा है ब्रो, वेव है ब्रो, वेव है। सुपर, और आगे जाना है अभी भी। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। हम लोग रॉन्ग रूट पे आ चुके हैं, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, मतलब उस साइड से चलना है। सो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। सादिक थैंक यू सो मच ब्रो, मेरा छोटा भाई है यार, बहुत मेरे लिए हेल्प करता है, जितने भी वीडियोस आते हैं यही मेरा भाई है। इसका भी मैं यूट्यूब चालू करवाऊंगा, देखना बहुत जल्द, तो सपोर्ट करना, मेरे भाई का भी आएंगे। तो भाई तू कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है भाई, ये क्या क्या, ये देख क्या है, यहाँ से जंप करना है क्या, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। यही है वो लोकेशन जहाँ पे शिप है, और भाई अलग ही वेब है यार। ओ माय गॉड, इट्स टू गुड यार, इट्स टू गुड। ये शिप कितने टाइम पुराना है भाई, पता नहीं भाई, बहुत पुराना है। फोंग बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है, हाँ बांग्लादेश का है। ये छोटी शिप है ना, टाइटैनिक वाली तो नहीं है ना, गजब बेइज्जती है। राइट गाइस, हम लोग अभी एक टिफिन पॉइंट पे आ गए हैं एनएडी के पास, यहाँ का बहुत टेस्ट रहता है बोलते ब्रेकफास्ट। भाई साथ में अमन भाई, थैंक यू सो मच भाई, पूरा आज मेरे को गाइडेंस बन के घुमाए, गाइड किए। और ये मेरा छोटा भाई सादिक, हेलो। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, बहुत जोर से भूख लग रही है, और सॉरी यार ये क्लिप जो है ना मेरी, मतलब फिटनेस से रिलेटेड है बट अलग हो जा रही है, इसको मैनेज कर ले रहा, बहुत मजा आया, बहुत टाइट है। उपमा डोसा तीनों का। यो ब्रो, मैं अब चूहे कूद रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी से टूट पड़ता हूँ, भूख लग रही है, खाता हूँ, फिर आगे का जो वीडियो की बता रहा हूँ एंडिंग, अब सीधा घर ही जाना है, खा के मैं वीडियो पे बात करता हूँ। हमारा पूरा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग जा रहे हैं, अभी काफ़ी लेट भी हो गया, और मेरे को नहा के रेडी होना है जल्दी से, क्योंकि बैग पैक वगैरह करना है, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी पूरा बज रहे 11 बजने वाले हैं। हम लोग निकले थे कि 6 बजे, 6:30 बजे से निकले थे, और काफ़ी लेट हो गया, अब चलते हैं यार। और वीडियो को मैं बहुत लॉन्ग बना दिया, अगर बोर लगा हो तो थोड़ा कर लेना यार, स्टे कनेक्ट रहना और अपना प्यार सपोर्ट देना, और सी यू टू नेक्स्ट वीडियो। और भाई थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स अमन एंड माय लिटिल ब्रो सादिक, थैंक यू सो मच, मेरा छोटा भाई है ये, और अपना प्यार सपोर्ट देना, और मिस्टर खान फिटनेस में रहना, और एफ टी रिजवान खान में भी। सो सी यू टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।